हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश बाय तबसुम। जी हाँ, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th एनआईएस इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है स्नेक बाइट। सो गाइस, इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि इंग्लिश के एग्जाम की तैयारी घर बैठे विदाउट कोचिंग और विदाउट बुक्स के आप किस तरीके से कर सकते हैं। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप देख लीजिएगा वो वीडियो। उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि बिना किताबों के और बिना किसी कोचिंग के आप किस तरीके से अपने इंग्लिश के पेपर को तैयार कर सकते हैं। सो पिछली वीडियो के थ्रू हमने अपने चैनल को स्टार्ट किया था, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश, एंड आई होप कि आपको जो है हमारा आपका सपोर्ट जो है हमारे चैनल को और जो है आगे लेकर के जाएगा। आप सपोर्ट करेंगे और मोटिवेट करेंगे हम लोगों को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। स्नेक बाइट चैप्टर जो है हम पहले इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर, बिकॉज हमने लास्ट वीडियो में यही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि पहले हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर की जो है लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे नोट्स होते हैं पूरे के पूरे चैप्टर के, वो हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ गाइस लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्नेक बाइट चैप्टर के बारे में, क्योंकि काफ़ी बच्चों को जो है समझ में नहीं आता है चैप्टर के भी चैप्टर की स्टोरी क्या है। सो देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिखा दूँ। इंट्रोडक्शन में आपसे भी कहा गया है, पहले टाइटल देख लेते हैं, स्नेक बाइट का मतलब होता क्या है। देखिए, जैसे कि आपको पता है स्नेक का मतलब क्या होता है भाई, सांप, ठीक है। तो सांप यानी स्नेक, और बाइट का मतलब काटना यानी सांप का काटना। तो सांप ने इस चैप्टर के अंदर किसको काटा है और किसने कहानी लिखी है, वही हम जान लेते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहला आपका जो इंट्रोडक्शन है स्टोरी का, वो कुछ इस तरीके से है कि भी हैव यू एवर टीज्ड एन एनिमल। टीज्ड का मतलब होता है सताना, कि भी क्या आपने कभी किसी जानवर को सताया है। व्हाट डिड योर एल्डर्स हैव टू से टू यू, और इस बारे में आपके जो एल्डर्स हैं यानी आपके जो घर के बड़े लोग हैं, उन्होंने आपसे क्या कहा। तो जब आपने किसी जानवर को सताया हो तो घर के बड़ों ने आपको डांटा होगा, है ना, अगर देखा होगा तो। सो हाउ डिड एनिमल रिएक्ट, तो जानवर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। डिड यू थिंक अबाउट हाउ द एनिमल फेल्ट, तो क्या कभी आपने सोचा है कि भाई एनिमल उस वक्त कैसा फील किया होगा किसी एनिमल ने। सो इन दिस स्टोरी द नैरेटर राजा इज एन इनोसेंट यंग बॉय, इस कहानी में जो नैरेटर है, गाइस नैरेटर का मतलब होता है जिसने कहानी अपने शब्दों में बयान की है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वाचक, यानी जिसने इस स्टोरी को बताया है, नैरेट किया है, उसका नाम गाइस क्या है, राजा है। तो ये जो नैरेटर है जिसका नाम राजा है, ये एक इनोसेंट यंग बॉय है, छोटा बच्चा है ये। ही इज एडवेंचरियस एंड लाइक्स टू मेडल विद क्रिएचर्स लाइक स्नेक्स एंड बीज। वो जो लड़का है ये राजा नाम का, तो ये काफ़ी एडवेंचरियस है, और इसको क्या क्या पसंद है, क्रिएचर्स जो होते हैं जैसे कि स्नेक हो गए, सांप हो गए या फिर मधुमक्खियाँ हो गई, इनको मेडल करना। मेडल का मतलब गाइस क्या होता है, सताना। तो इनको सताना इस छोटे बच्चे को बहुत ही अच्छा लगता है। आई होप आपको ये वर्ड मीनिंग के साथ चैप्टर क्लियर हो रहा होगा, मतलब इंट्रोडक्शन। सो आगे देखते हैं गाइस कि हिज ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसर्न अबाउट हिज वेल बींग एंड सेफ्टी, उसके जो दादा दादी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो चिंतित रहते हैं। कंसर्न का मतलब उनको बड़ी चिंता रहती है, फिक्र रहती है कि भाई वो बच्चा सेफ रहे और वो ठीक ठाक रहे। सो वंस व्हेन अ बी स्टिंग हिम, स्टिंग का मतलब गाइस क्या होता है कि जैसे कि एक छोटी सी मक्खी आके काट के चली जाती है, डंक वगैरह मार देती है, तो ऐसे ही एक बी जो है आती है, मक्खी मधुमक्खी, वो आके उसको स्टिंग करके जाती है। दे थिंक ही हैज बिटन बाय अ स्नेक, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, उनको लगता है कि उसको एक स्नेक ने काटा है, मतलब मधुमक्खी काट के जाती है बट उनको लगता है कि इसको स्नेक ने बाइट किया है। सो हिज ग्रैंड फादर टेक्स हिम टू अ मैन हुम ही बिलीव्स कैन क्योर स्नेक बाइट, तो उसके जो ग्रैंड फादर होते हैं वो उसको एक ऐसे इंसान के पास लेकर के जाते हैं जिसको उनको ऐसा लगता है कि शायद ये इंसान स्नेक बाइट की क्योर कर सकता है, मतलब इलाज जानता है वो सांप के काटे का। सो लेट अस रीड द स्टोरी एंड सी व्हाट हैपन, चलिए पढ़ते हैं इस स्टोरी को और देखते हैं कि आखिर आगे क्या होता है, क्या सच्ची में राजा को स्नेक ने काटा था, और अगर काटा था तो उस आदमी ने उसका इलाज कैसे किया। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसके अलावा गाइज, आप जो है अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, पहले आपको पूरी वीडियो देखनी है, अगर आपको लगे आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं, प्यारे प्यारे से कमेंट्स आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। फीडबैक आप अपना शेयर ज़रूर करिएगा कि पूरी वीडियो को देखकर आपको कैसा फील हुआ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं।
सो गाइस बेसिकली जो हमारा ये चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. लेट अस रीड द टेक्स्ट, मतलब चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं. अब देखिए क्या होता है कि भाई वन डे आई सॉ अ स्मॉल स्नेक इन कंपाउंड. तो ये जो नरेटर है, मतलब राजा नाम का बच्चा है जिसने इस स्टोरी को नरेट किया है, वो इसमें गाइस कौन है? आई. तो वो कहता है आई, यानी मैंने. सॉ का मतलब होता है देखा, सी की सेकंड फॉर्म देखना. तो एक बार क्या हुआ, एक दिन के मैंने देखा एक छोटा सा स्मॉल स्नेक, एक छोटा सा सांप था, वो कंपाउंड में घूम रहा था घर में. इट वॉज क्रॉलिंग अलोंग स्लोली बट वैन इट सॉ मी इट मूव्ड अवे एंड क्विकली हिड इट सेल्फ इन ए कोकोनट शेल. तो ये जो छोटा सा सांप था, वो क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, रेंग रहा था, ठीक है, और स्लोली स्लोली मतलब धीरे धीरे वो रेंग रहा था. बट मतलब जब, व्हेन इट सॉ मी, जब उसने मुझे देखा. यहाँ पर जो इट वर्ड है ये किसके लिए यूज़ कर रखा है यहाँ पर इन्होंने? सांप के लिए. मतलब बार बार ये जो है इसके लिए स्नेक वर्ड यूज़ नहीं करने वाले. लेकिन जब इसने मुझे देखा तो इट मूव्ड अवे क्विकली, तो ये जल्दी से वहाँ से भाग गया. एंड हिड, हिड का मतलब उसने खुद को छुपा लिया इन ए कोकोनट शेल. कोकोनट शेल का मतलब आपने नारियल देखा होगा, उसके जो ऊपर का हिस्सा होता है छिलका टाइप का शेल जो होता है उसमें उसने खुद को छिपा लिया, ठीक है. I quietly went near and closed the mouth of the coconut shell with a stone. अब quietly का मतलब कि मैं भी बड़ी शांति से वहाँ पर गया और उस कोकोनट शेल का मुंह जो है एक स्टोन से, मतलब एक पत्थर से मैंने बंद कर दिया. देन आई टुक द शेल एंड रेन टू ग्रैंड मदर. और उसके बाद मैं उस शेल को, उस खोखले से को उठाकर गया और अपनी दादी जी के पास लेकर गया. सो बच्चे ऐसे ही करते हैं, कुछ चीज़ पकड़ भी लेते हैं अगर उनको नहीं पता होता कि भाई ये चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है. तो ऐसे ही किसी न किसी क्रिएचर के साथ कभी जो है मक्खी पकड़ ली, कभी जो है कुछ ना कुछ ऐसे ही करते रहते हैं, ठीक है. तो ऐसे ही राजा ने किया था. अब देखिए ग्रैंड मदर के पास ले गया है तो वो कहता है कि लुक ग्रैंड I cried. मैं चिल्लाया कि मैंने कहा देखो grandma, I have caught a snake. मैंने एक सांप पकड़ा है. अब देखिए snake asked grandmother in an alarm. अब दादी ने ये बात सुनी तो एक अलार्म जो होता है ना, जैसे एकदम शॉक हो गया, लग गया हो उनको, तो उन्होंने शॉक के मारे क्या पूछा कि सांप, सांप पकड़ा है तुमने. शी वॉज शॉक्ड, बहुत शॉक थी वो. शी क्राइड फॉर हेल्प, और वो हेल्प के लिए चिल्लाई. भाई छोटा बच्चा है, स्नेक लेके हाथ में सांप पकड़ के घूम रहा है तो कोई भी डर जाएगा. सो ग्रैंड फादर केम रनिंग. अब देखिए जो ग्रैंड फादर थे वो दौड़ते हुए आए. वेन ही लर्न दैट आई हैड अ स्नेक इन द शेल, ही स्नैच्ड द शेल एंड थ्रो इट अवे. जब उन्हें पता चला, ही कौन है यहाँ पर, दादाजी, तब उन्हें पता चला कि भी मैंने एक स्नेक को शेल के अंदर बंद किया हुआ है, तो उन्होंने उसको स्नैच कर लिया. स्नैच का मतलब वैसे क्या होता है, छीन लिया. तो उन्होंने मुझसे उसको छीन लिया, उस शेल को, एंड उसको थ्रो का मतलब फेंक दिया कहीं दूर, ठीक है. आगे बढ़ लेते हैं, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी. तो अगला जो पैराग्राफ है वो है द स्नेक क्रॉल्ड अवे एंड डिसअपीयर बिहाइंड सम बशेस. वो जो सांप था, जैसे ही दादाजी ने उसको फेंक दिया तो वो गायब हो गया. डिसअपीयर का मतलब एकदम से रेंग कर कहीं भाग गया होगा, तो वो गायब हो गया और वो किसी बशेस मतलब झाड़ियों के पीछे जाकर वो छुप गया, ठीक है. आगे है ग्रैंड फादर वॉर्न्ड मी नेवर टू गो नियर अ स्नेक. अब देखिए दादाजी ने उसको फेंक तो दिया दूर, मगर उन्होंने मुझे वार्निंग कर दी. वार्न का मतलब यहाँ पर चेतावनी देना, ठीक है. तो उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि भाई तुम क्या करोगे, अब आगे से कभी भी नियर का मतलब पास में नहीं जाओगे किसी भी स्नेक के, बिकॉज स्नेक्स आर वर वेरी डेंजरस. क्योंकि जो सांप होते हैं वो बहुत खतरनाक थे, अभी भी होते हैं हमेशा, मतलब ज़्यादातर सांप खतरनाक ही होते हैं. तो दादाजी ने वार्निंग दे दी थी राजा को, लेकिन देखते इसके बाद भी राजा क्या करता है. तो लेटर इन द इवनिंग, ये तो हो गई सुबह की बात, अब शाम में देखो राजा क्या करता है. आई ट्राई टू कैच अ बी, कि मैंने एक मधुमक्खी पकड़ने की कोशिश की और इट स्टंग मी ऑन माई फिंगर, लेकिन उस मधुमक्खी ने मेरी फिंगर पर काट लिया मुझे. आई फेल्ट अ शार्प पेन, मुझे दर्द हो रहा था, मतलब दुख रहा था मेरी उंगली में. आई रैन टू ग्रैंड मदर एंड टोल्ड हर दैट आई हैड बीन बिटन एंड वॉन्टेड हर टू डू समथिंग टू स्टॉप पेन. तो मैं भाग कर, आई रैन का मतलब रन की सेकेंड फॉर्म है, कि भाई मैं भाग कर अपनी ग्रैंड मदर के पास गया और उनको बताया कि भाई मुझे काट लिया गया है. अब देखिए राजा ने यहाँ कंप्लीट बात नहीं बताई, मतलब वो कहने ही वाला था, तभी दादी जी जो है फिर से बिखर गई कि भाई अच्छा काट लिया है बच्चे को. तो यहाँ पर उसने बस ये बताया कि मैंने दादी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे काटा गया है एंड वॉन्टेड हर टू डू समथिंग टू स्टॉप पेन, और मैं चाहता था कि दादी कुछ ऐसा करें जो मेरा जो पेन है ना वो रुक जाए. सो ग्रैंड मदर थॉट दैट आई हैड बीन बिटन बाय अ स्नेक. तो ग्रैंड मदर ने फिर से वही चीज़ सोची कि भाई मुझे एक स्नेक ने काट लिया है. शी कॉल्ड आउट टू ग्रैंड फादर, वो ग्रैंड फादर को जो है चिल्लाती हैं, उनको बुलाती हैं, मतलब
क्या कहती है, कम एंड सी व्हाट हैज हैपन टू राजा, कि भी जल्दी से आओ और देखो राजा को क्या हो गया है। तो यहाँ पर दादी जी जो है चिल्ला रही हैं, वो दादाजी की हेल्प मांग रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद राजा को जो है स्नेक बाइट हो गया है, मतलब उसको सांप ने काट लिया है। तो गाइस अब हम थोड़ा सा और जो है आगे बढ़ते हैं इस पैराग्राफ को, आई होप आपको चैप्टर जो है क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं भाई, ग्रैंड फादर केम एट वंस, ग्रैंड फादर जो थे वो तुरंत आ गए थे। ही लुक्ड एट माई फिंगर एंड देयर वॉज अ ब्लू मार्क, उन्होंने मेरी फिंगर को देखा और मेरी उंगली पर जो है ब्लू कलर का मार्क, मतलब जो काटने की वजह से एक निशान सा हो जाता है, वो हो गया था। विदाउट अ वर्ड ही टुक मी इन हिज आर्म्स एंड स्टार्टेड रनिंग, बिना एक शब्द बोले उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठाया, मतलब आर्म्स का मतलब ऐसे बाहों में भर लिया और वो दौड़ना स्टार्ट हो गए। ही रेन अक्रॉस द गार्डन एंड थ्रो द पैडी फील्ड्स, वो जो है बहुत गार्डनों को पार कर करके और जो है फील्ड्स मैदानों को कूद कूद के जो है दौड़ रहे थे, मतलब भाग रहे थे, कहीं जाना था उनको। ही रेन एंड रेन एंड डिड नॉट स्टॉप अंटिल ही रीच्ड अ स्मॉल हाउस क्वाइट नियर सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम आवर होम, वो भाग रहे थे बार बार, जस्ट भागते रहे और कहीं भी नहीं रुके जब तक कि वो एक छोटे से घर के बाहर नहीं पहुंच गए, मतलब वो दौड़ते रहे, उनको एक घर पे पहुंचना था, एक स्मॉल हाउस में पहुंच गए और वो घर थोड़ी सी ही दूरी पर था हमारे घर से। देन ही शाउटेड फॉर द मैन हु लिव्ड देयर, फिर उन्होंने आवाज लगाई एक आदमी को जो उस घर के अंदर रहता था। आगे क्या होता है गाइस, एन ओल्ड ग्रे हेयर्ड मैन केम आउट ऑफ द हाउस, एक बूढ़ा आदमी आया जिसके बाल कैसे थे, उसके बाल थे ग्रे कलर के, ठीक है, काफ़ी ओल्ड था वो। ही न्यू द क्योर फॉर स्नेक बाइट, उसको क्योर का मतलब इलाज जानता था, उसको पता था कि स्नेक बाइट यानी सांप के काटे का इलाज कैसे करते हैं। ग्रैंड फादर आस्क्ड हिम टू क्योर मी, ग्रैंड फादर ने उससे कहा भाई कि वो मेरा इलाज कर दे। द ओल्ड मैन टुक मी इनसाइड, और ओल्ड मैन मुझे जो है अंदर की तरफ, इनसाइड का मतलब होता है अंदर ले गया। ही लुक्ड एट माई फिंगर एंड then asked me to sit down and not to move, आगे उसने मुझसे पहले तो मेरी फिंगर को देखा और फिर उसने मुझसे कहा कि बेटा बैठ जाओ, आप सिट डाउन हो जाओ और बिल्कुल हिलना नहीं है आपको। आई सैट ऑन ग्रैंडफादर्स लैप, यहाँ पर लैप का देखो गाइस क्या मतलब होता है, लैप का मतलब होता है यहाँ पर गोद, तो मैं जो है चुपचाप ग्रैंडफादर की गोद में बैठ गया। द ओल्ड मैन देन टुक सम वाटर इन अ स्मॉल ब्रास वेसल, तो उसके बाद जो ओल्ड मैन था वो पानी लेकर के आया कुछ, किसमें, एक स्मॉल ब्रास वेसल, मतलब एक तांबे का बर्तन था, ब्रास का मतलब होता है तांबा, तो एक तांबे के बर्तन में वो पानी लाया। सेट इन फ्रंट ऑफ अस एंड स्टार्टिंग रिसाइटिंग सम मंत्रास, और हमारे सामने बैठ गया वो और उसने स्टार्ट कर दिया कुछ मंत्रों का उच्चारण, मतलब कुछ मंत्र रिसाइट बोलने शुरू कर दिए। सो गाइज आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा चैप्टर, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए आप देख सकते हैं वीडियो के यहाँ पर साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, कि जो भी वर्ड मीनिंग है, वैसे तो मैं आपको बता रही हूँ एक वर्ड का मीनिंग, फिर भी यहाँ पर दे रखे हैं, तो अगर आप कहीं भूल जाओ कुछ तो आप देख सकते हो यहाँ से। तो देखिए आगे क्या होता है, I wanted to tell him that it was a bee and not a snake that had bitten me, मैं चाहता था कि भाई मैं उनको बताऊं कि एक बी ने काटा है मुझे, मधुमक्खी ने, ना कि किसी सांप ने मुझे काटा है। बट ग्रैंड फादर हेल्ड मी टाइट एंड डिड नॉट अलाउ मी टू टॉक, लेकिन ग्रैंड फादर जो थे ना उन्होंने टाइटली करके मुझको पकड़े रखा और मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। होता है तो थोड़े नर्वस हो जाते हैं जो हमारे घर के बड़े होते हैं, हम सभी को लेकर ऐसे ग्रैंडफादर भी थे। सो गाइस ग्रैंडमदर टू हैड अराइव्ड बाय देन एंड सम अदर पीपल विद हर, उसके बाद पीछे पीछे ग्रैंडमदर भी आ गई, ठीक है, और उनके साथ साथ कुछ और जो दूसरे लोग थे आसपास रहने वाले वो भी वहाँ पर पहुँच गए। सबने सुन लिया होगा भाई बच्चे को सांप ने काटा है, तो सब पहुँच गए। दे लुक सैड एंड साइलेंटली वॉच्ड मी, वो सब बिल्कुल बेचारे शांत और उदास खड़े थे और देख रहे थे मुझे, उन्होंने मुझे देखा। बाय दिस टाइम द पेन इन माई फिंगर हैड स्टॉप्ड, और अब तक जो है मेरी फिंगर का जो पेन था वो स्टॉप हो चुका था। बट स्टिल आई हैड टू सिट देयर एंड गेट क्योर्ड ऑफ स्नेक बाइट, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी देर और वहाँ पर बैठना पड़ा और मुझे उस सांप के काटे का इलाज कराना पड़ा। अब आगे क्या होता है, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ओल्ड मैन गॉट अप, कुछ मिनटों बाद वो जो ओल्ड मैन था वो खड़ा हो गया। वॉश्ड माई फिंगर, उसने मेरी फिंगर को वॉश किया मतलब धोया, और गेव का मतलब दिया मुझे कुछ पानी पीने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मिनटों के बाद ओल्ड मैन खड़ा होकर जो है उसकी उंगली को धोता है, धोया उसने और उसके बाद कुछ पानी पीने के लिए दिया। ही आस्क मी टू कीप क्वाइट फॉर सम मोर टाइम, और उसने मुझसे कहा बेटा थोड़ी देर के लिए, सम मोर टाइम मतलब थोड़ी देर के लिए आप अभी और चुप हो जाओ, चुप ही रहो, बोलना मत कुछ। देन ही टर्न टू ग्रैंड फादर एंड सैड, उसके बाद वो ग्रैंड फादर की ओर मुड़ा और उसने क्या कहा भाई कि थैंक गॉड यू ब्रॉट राजा इन टाइम, के भगवान का शुक्र है भाई कि आप राजा को टाइम पर ले आए। मतलब यहाँ पर जो ओल्ड मैन वो क्रेडिट खुद ले रहा है, हालांकि सांप ने तो काटा ही नहीं है, तो वो खुद ही क्रेडिट ले रहा है। आगे वो कहता है कि ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, कि भाई अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर है, टेंशन की कोई बात नहीं है। इट वॉज इन डीड अ पॉइजन स्नेक दैट बिट हिम,
तो ये बहुत ही खतरनाक सांप था, पॉइजन्स का मतलब बहुत ही जहरीला सांप था वो, जिसने राजा को काटा था। लेकिन अब वो आउट ऑफ डेंजर है, कोई डरने की बात नहीं है, मैंने उसका इलाज कर दिया है। तो आगे और देखते हैं, जस्ट एक लाइन आपकी यहाँ पर रह रही है चैप्टर आपका ऑल अबाउट फिनिश्ड होने को ही है कि ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर एंड ऑल अदर्स थैंक द ओल्ड मैन फॉर द मैजिक क्योर। तो जो ग्रैंडफादर थे, जो ग्रैंडमदर थी और जो दूसरे बाकी लोग थे, उन सभी ने थैंक बोला उस ओल्ड मैन को, क्योंकि उसने जादुई एकदम इलाज कर दिया था, मैजिक क्योर किया था राजा को। ऑन रिटर्निंग होम ग्रैंडफादर सेंट हिम गिफ्ट्स, और जब घर आए ग्रैंडफादर वापस, तो उन्होंने कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी उस ओल्ड मैन को थैंक्स करने के तौर पर सेंड किए, मतलब कुछ गिफ्ट वगैरह भी उसके लिए भिजवाए। सो गाइज, कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर जो ये चैप्टर है स्नेक बाइट वो होता है फिनिश। एक एक वर्ड को मैंने आपके सामने यहाँ खोल कर रख दिया है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पिछली वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है जिसमें हमने ये सीखा है कि भाई बिना कोचिंग के और बिना बुक्स के हम किस तरीके से इंग्लिश के पेपर की तैयारी कर सकते हैं, तो वो वीडियो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है इसी चैप्टर के नोट्स लेकर के आने वाली हूँ आप लोगों के लिए, सिंपल सी लैंग्वेज में उनको डिस्कस करेंगे एंड देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको जानेंगे। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम चैप्टर इसके इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ। सो टिल देन, बी ए लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। गुड बाय।